बाज़ाब्ता कह रहे हैं कि अब सुनवाई होगी 370 की, क्या आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस लग रहा है, क्या कश्मीरी आवाम को किसी तरह से कोई इंसाफ मिलने के इम्कान? देखिए, हमें तो पहले बहुत मायूसी हुई कि सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लगे, इतना हसास मामला है, इतना ये जो है इतने लोगों की ज़िंदगी, उनकी इज्जत नफ़्ज़ इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को लगे 3 साल इस मामले के बारे में बात करने में। और जो दिल्ली में हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो जहांगीरपुरी में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद वहाँ बाज़ाब्ता जो है डिमोलिशन चलता रहा, उससे मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। और अभी तक हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जो कि उनको लेना चाहिए था, उन अफसरों के खिलाफ जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, जिन्होंने उनकी बात मानने से इनकार किया और 2.5 घंटे तक डिमोलिशन करते रहे। तो ऐसे में हमारे जहन में, दिल में कई खदशात हैं, पर मैं उम्मीद करती हूँ इसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें इंसाफ करेगा, और जो जम्मू कश्मीर ने इस मुल्क के साथ कुछ शर्तों के बिना पे इल्हा किया था, जो स्पेशल स्टेटस था, उसको बहाल करने में वो पेशरफ्त करेगी। और जिस तरह बीजेपी ने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया गैर आइनी तरीके से, हमसे हमारा हक, हमारी पोजीशन छीनी, उसको बहाल करेंगे। आखिर पर एक डिलिमिटेशन के बारे में कहा जा रहा है कि जब हम बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले के NCPDP है बौखलाहट की शिकार होगी, हमने सही तरीके से ये किया है, पीडीपी का क्या रहेगा? देखिए, जो डिलिमिटेशन है वो उसी एक प्रोसेस का हिस्सा है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, जिस तरह से इन्होंने हमारा स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, तो उसी स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने की ये और एक कड़ी है। इन्होंने पोलिटिकली डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक पोलिटिकल प्लेटफॉर्म बना दिया है कि जब हम कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में जो आबादी का तनासुल है उसको मुसलमान मेजॉरिटी से लेके माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहते हैं, तो जो इन्होंने डिलिमिटेशन की वो उसी का एक हिस्सा है। उसी तरह इन्होंने यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर करने की पूरी कोशिश की है। इलेक्शन होंगे वक्त पर? वो हम कुछ कह नहीं सकते, होंगे कब होंगे क्या होंगे। देखिए, मैं समझती हूँ कि यहाँ बहुत कुछ जो इस वक्त बर्बादी हो रही है, तबाही हो रही है, मुश्किल हो रहे हैं, तो उसका जो इलाज खाली इलेक्शन नहीं है, उसका इलाज बहुत कुछ मरकजी सरकार को जो करना चाहिए जो वो नहीं कर रही है। थैंक यू।